हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गुरु पूर्णिमा पर हिंदी में निबंध या फिर 10 लाइन गुरु पूर्णिमा पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, गुरु पूर्णिमा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक मुख्य त्यौहार है। दूसरा पॉइंट, गुरु पूर्णिमा के दिन छात्र अपने शिक्षक के प्रति अपना प्यार तथा कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तीसरा, यह बौद्धों द्वारा भी बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। चौथा पॉइंट, गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पांचवा पॉइंट, यह पर्व वर्षा ऋतु के शुरुआत में ही मनाया जाता है। छठवां पॉइंट, गुरु शब्द गु तथा रु शब्दों से मिलकर बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है मिटाने वाला। इस प्रकार गुरु को अंधकार मिटाने वाला या अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला कहा जाता है। सातवां पॉइंट, गुरु पूर्णिमा विद्यालयों में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। आठवां पॉइंट, गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नौवां पॉइंट, ऐसा कहा जाता है कि माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तथा गुरु उन्हें सच्ची शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान करता है। बिना ज्ञान के मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। दसवां पॉइंट, हम सभी को अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए तथा उन्हें उचित सम्मान प्रदान करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।